एप्टो मेल गिब्सन द्वारा निर्मित सहल लिखित और निर्देशित संदर्भ 6 की अमेरिकी महाकाव्य ऐतिहासिक साहसिक फिल्म है। फिल्म में रूडी यंग ब्लड, राउल ट्रूजिलो, मायरा सुरबेलो, दालिला हर्नांडे, गेराडो तरसेना, रोनाल्डो पलसिया, बर्नाडा रुइज, जोराजा अमेल, रूडी गेराडो मोडिगेंजो, रिकार्डो डियाज मेकांडो और इजराइल कंट्रास शामिल हैं। फिल्म में चित्र सभी स्वदेशी लोग माया थे। गिब्सन की पिछली फिल्म दी पोर्शन ऑफ द कोस्टा के समान समी संवाद सेटिंग की प्राचीन भाषा के आधुनिक सन्निकट में है। यह स्वदेशी युकाटेक माया भाषी उपशीर्षक के साथ बोली जाती है और जो कभी कभी भाषा को माया के रूप में संदर्भित करती है। 10/16 के अक्सर इस तक संदेशित यह फिल्म गिब्सन थी। इस मूवी का निर्देशक मेल गिब्सन ने किया है। मूवी लिखी थे मेल गिब्सन द्वारा। इस मूवी का जो छायांकन है वह डीन सैमलर ने किया है। संपादित किया है जॉन राइट ने। संगीत दिया है जेम्स हॉर्नर ने। उत्पन्न कन्या है टचटन रोन और इस मूवी का वितरित किया है बहुत सारे कलाकारों ने, जो कि हम अब धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं। उसके बाद हम इस मूवी की और भी विशेषता के बारे में जानेंगे। वर्ष 2015 के आसपास युकाटन मैक्सिको में सेट्स एपिकलाप्टो नायक की यात्रा को जैगुआर पाओ नाम के एक युवक व दिवंगत मैसो अमेरिकन शिकारी उसके साथ आदिवासियों की यात्रा को चित्रित करता है, जिन्हें हम हमलावर बल द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने गांव की तबाही के बाद उन्हें मानव बलि के लिए एक माया शहर की खतरनाक यात्रा पर लाया जाता है, जब माया सभ्यता का पतन हो रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसे दुनिया भर में 120 मिलियन से अधिक की कमाई की। ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। आलोचकों ने गिब्सन के निर्देशन, डैन सैमलर की छायांकन, कलाकार के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने अभिनय की प्रशंसा की। माया सभ्यता और ऐतिहासिक सटीकता की आलोचना की गई। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में बुआना विस्टा पिक्चर और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में आइकन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित किया गया। भूखंड यह मैसो अमेरिकन वर्तमान में शिकार करते हुए जैगुआर पाव उनके पिता क्लांट काई और उनके साथी आदिवासियों का सामना शरणार्थी का एक दल से होता है और समूह का नेता बताते हैं कि उनकी भूमि तबाह हो गई थी, जंगल से गुजरने की अनुमति मांगी। फिलेंट स्काई ने नोट किया कि शरणार्थी डर से बीमार थे और जैगुआर पाव से आग्रह करते हैं कि वे डर को कभी भी संक्रमित ना होने दें। उस रात बाद में जनजाति एक बुजुर्ग से आसपास इकट्ठा होती है, जो ऐसे व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की कहानी बताती है जो खालीपन से भस्म हो जाता है, जो संतुष्ट नहीं हो सकता इसके बाद बावजूद कि उसे दुनिया के सभी उपहार दिए गए हैं और जब तक आंखें बंद करके लेना जारी रखेगा जब तक कि वह वहाँ नहीं है। उसके लेने के लिए संसार में कुछ नहीं बचा है और संसार नहीं रहा है। अगली सुबह गाँव में जीरो लुफ्ट के नेत्रों में हमलावर द्वारा हमला किया जाता है। झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। कई ग्रामीण मारे जाते हैं और जीवित वयस्कों को बंदी बना लिया जाता है। हमले के दौरान जय